Hello students, welcome back. Now we are going to discuss about coefficient of variation. Last video में मैंने आपको exercise number 4.4 homework दिया था. I hope you have done your homework. ऐसा मैं assume करती हूँ. I hope my assumption is right. Now coefficient of variation. We have seen that the standard deviation is an absolute measure and it is expressed in terms of unit of the given observation of the data. Therefore, for the comparison of variability of two or more groups, their absolute measure cannot be used. For example, for such comparison, its relative measure, coefficient of standard deviation, should be used. Often the variation value of coefficient of standard deviation comes in fractional form. So, Carl Pearson has suggested coefficient of variation as a relative measure which can be easily understood by common people. The coefficient of variation is obtained by multiplying coefficient of standard deviation by 100. Now, coefficient of variation find करने का formula है s upon x bar into 100, जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हम फाइंड करते हैं उसको डिवाइड करना है विद द वैल्यू ऑफ x bar एंड देन मल्टीप्लाई विद 100. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और रिलेटिव वेरिएशन. द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. मींस coefficient of variation is percentage measure of standard deviation with respect to mean. It is very useful measure for comparing the dispersion of two or more data sets. एक ग्रुप का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया, दूसरे ग्रुप्स का स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड किया. अब दोनों को कंपेयर करना है कि विच इज मोर बेटर, विच इज मोर कंसिस्टेंस, तो वो हम coefficient या तो फिर रिलेटिव वेरिएशन के बेसिस पे फाइंड कर सकते हैं. A group of observations which has smaller value of coefficient of variation is said to be more stable and having less dispersion. दोनों groups में या सभी groups में जिसकी coefficient variation की value small है उसको हम बोल सकते हैं कि इसकी value जो है वो stable है और उसमें less variation आ रहे हैं, उसमें less dispersion हो रहे हैं. तो जिसकी value कम वो मोर कंसिस्टेंस मोर स्टेबल. सच अ सीक्वेंस इज ऑल्सो सेड टू बी कंसिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेरिएबिलिटी. अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन विच हैज लार्जर वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज सेड टू बी लेस स्टेबल एंड हैविंग मोर डिस्पर्शन. अगर स्मॉल है तो मोर स्टेबल, अगर लार्ज है तो लेस स्टेबल एंड मोर डिस्पर्शन. क्लियर? नाउ इलस्ट्रेशन 19 अगर आप अपनी बुक में देखोगे उसमें फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ रन स्कोर्ड बाय टू बैट्समैन ए एंड बी इन लास्ट 10 इनिंग डिसाइड हु इज मोर कंसिस्टेंट. अब यहाँ पे डिसाइड हु इज मोर कंसिस्टेंट मीन्स हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है एस अपॉन एक्स बार इन 200, सबसे पहले तो रन्स बाय बैट्समैन ए एंड रन्स बाय बैट्समैन बी दोनों का हमें एक्स बार चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए. सो वो फाइंड करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज करते थे, सबसे पहले वो ए का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड करना है, फिर बी का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है. दोनों अलग अलग पार्ट में हमें फाइंड करना पड़ेगा. किस तरह से? बैट्समैन ए में हम लेंगे एक्स रन्स बाय बैट्समैन ए. आपकी बुक में देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. सबसे पहले हेडिंग दिया है बैट्समैन ए, टेबल बनाया है जो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए जितनी भी वैल्यूज चाहिए वो सारे इस टेबल के थ्रू पहले तो फाइंड करनी है. उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टेबल के पहले ही एक्स बार की वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्योंकि सारी फर्दर कैलकुलेशन होगी एक्स बार की वैल्यूज के साथ. तो यहाँ पे तीन कॉलम्स बनेगी, एक्स इज गिवन,
x माइनस एक्स बार, हम सारे जो x की वैल्यूज है उसमें से x बार को माइनस करेंगे, सो वी विल गेट द कॉलम ऑफ x माइनस एक्स बार, और फिर थर्ड कॉलम में क्या करना है, x माइनस एक्स बार स्क्वायर। इस तरह से हम सारी वैल्यूज को फाइंड करके वेट्स में a का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। सिमिलरली वी आर डूइंग सेम थिंग विद बेट्समैन बी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स बार, देन एक्स माइनस एक्स बार, देन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, एंड उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बेट्समैन बी। हमें दो अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेंगे, बेट्समैन ए एंड बेट्समैन बी। सबसे पहले हम एक्स बार फाइंड करेंगे सिग्मा एक्स अपॉन एन, उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे विद द फॉर्मूला सिग्मा अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया, फिर बेट्समैन ए का हम कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, इस तरह से एस हमें यहां से मिलेगा एस अपॉन एक्स बार इनटू 100। तो ये जो वैल्यू हमें दोनों के अलग अलग मिलेंगे। फिर क्या करना है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है डिसाइड हु इज मोर कंसिस्टेंट, हु इज मोर कंसिस्टेंट विच हैव लेस वैल्यू। इन दोनों में से जिसका भी कोएफिशिएंट लेस होगा वो होगा मोर कंसिस्टेंस, क्लियर। जिसका भी वैल्यू, जिसकी भाई रिलेटिव वेरिएशन जिसका भी कम होगा, जिसकी वैल्यू कम होगी, जो स्मॉल वैल्यूज होगी वो होगा मोर कंसिस्टेंस ये दोनों में से। यहाँ पे एग्जांपल में आ रहा है बेट्समैन ए, राइट। सो ये था रिलेटिव मेजर, रिलेटिव वेरिएशन। अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आपको रीड करने हैं, फिर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बाकी यहाँ पे ये चैप्टर क्लोज हो रहा है, सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, इम्पोर्टेंट सम्स थे जो कि एग्जाम रिलेटेड थे, वो सारे मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, और मैंने आपको होमवर्क में भी कुछ सम्स दिए हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं अपने नोटबुक। अब इस चैप्टर का होमवर्क है एक्सरसाइज 4 में सेक्शन ए एंड सेक्शन बी पूरा करना है, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 10 तीन सम करने हैं, सेक्शन डी में 9, 10, 11 एंड 13 चार सम सॉल्व करने हैं, सेक्शन ई में 1, 2, 3, 4 चार सम सॉल्व करने हैं, एंड सेक्शन एफ में 4, 5 एंड 7। इतने क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। सो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, चैप्टर नंबर 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 स्क्यूनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर, तब तक आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, इस चैप्टर को रिवाइज करना है, रीड करना है। थैंक यू वेरी मच।